26 मार्च को राज्यसभा में खाली हो रही हैं 55 सीटों के चुनाव होने हैं। संसद में ऊपरी सदन का चुनाव क्योंकि जनता नहीं राज्यों की विधानसभाएं करती हैं, इसलिए राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए सभी पार्टियां माथापच्ची करने में लगी हुई हैं। हमारे पहले के सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई थी कि पश्चिम बंगाल में खाली हो रही 5 सीटों में से 4 पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की जीत पक्की है। दूसरे सर्वे में हमने बताया कि कांग्रेस की 9 सीटें पक्की हैं। अगर वो दो और राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों से मोलभाव कर ले गई तो दो और सीटें बढ़ सकती हैं। इस सर्वे में हम सत्ताधारी बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों की सियासी हैसियत की बात करेंगे। इन 55 सीटों में से 7 महाराष्ट्र, 4 उड़ीसा, 5 तमिलनाडु, 5 पश्चिम बंगाल, 4 आंध्र प्रदेश, 2 तेलंगाना, 3 असम, 5 बिहार, 2 छत्तीसगढ़, 4 गुजरात, 2 हरियाणा, 1 हिमाचल प्रदेश, 2 झारखंड, 3 मध्य प्रदेश, 1 मणिपुर, 3 राजस्थान और 1 मेघालय से है। बीजेपी की गणित है कि अगर कांग्रेस 9 से 11 सीटें तक जा सकती है तो वो भी 12 से 13 सीटें जीत सकती है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन 2022 में भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीदें नहीं है क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता नहीं है। इन तीनों राज्यों से बीजेपी के पास फिलहाल 21 सांसद हैं, जिनकी संख्या 2022 में आधी हो जाएगी। 13 सीटें अगर बीजेपी अपने नाम कर लेती है तो राज्यसभा में उसकी संख्या 95 तक हो जाएगी। अगला चुनाव नवंबर में होगा जब बीजेपी को यूपी से सीटें आने की उम्मीदें हैं। हालांकि तब भी बीजेपी के लिए ऊपरी सदन में बहुमत में आना संभव नहीं है। इस चुनाव में डीएमके और एआईएडीएमके 3-3 सीटें जीत सकती हैं। जेडीयू, बीजेडी और आरजेडी को भी 2-2 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि वाईएसआरसीपी 4 और टीआरएस के खाते में 1 सीट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।